सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं यहाँ पर। और आज की वीडियो का भी लाइक हम देखते हैं केवल 500 लाइक का, तो यार फटाफट से कंप्लीट करवा दो। तो गाइज, आज की हमारी पहली अपडेट है देसी गेमर के बारे में। तो देसी गेमर से लाइव चैट में बोला जाता है कैरेक्टर्स के बारे में कि फ्री फायर में कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर आ चुके हैं जिससे गेम अनबैलेंस हो जा रहा है अभी। तो गाइज, इसके बारे में देसी गेमर ने गरेना फ्री फायर वालों से बात किया था ताकि इसको नर्फ किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए। दिमित्री सुनिया बैन करवा सर। गाइज मैंने बोला है एंड उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट अपडेट तक देखो अभी झेलो, उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा कमियां लाएंगे वो लोग, थोड़ा कम करेंगे कुछ ना पावर में। वो दिमित्री प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोनिया है। दिमित्री अगर ऐसे इंडिविजुअल छोड़ दो तो वो बेकार है, कोई काम का नहीं है। बट वो सोनिया अभी और नया ग्लूवाल का एबिलिटी आया है, वो भी रूला देता है पूरा, तो डेट इज द प्रॉब्लम। फुल सपोर्ट करता हूँ गाइज की दिमित्री ना वेस्ट है। दिमित्री अगर इंडिविजुअल है तो कोई काम का नहीं है। मैं एज अ क्रिएटर मैंने बोला ऑफिशियल को, आप जितने भी पार्टनर प्रोग्राम के लोग हैं, आप किसी को भी पूछो, मैंने सबके सामने बोला है, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं भी चाहता हूँ गेम अच्छा हो, गेम बराबर हो, गेम लेवल में हो। मैंने ये बोला है कि यार सोनिया को बैन कराओ यार। मैंने तो शॉर्ट्स भी डाला है सोनिया हटाओ बोल के, देखो तुम देसी गेमर्स, मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया है। तो सोनिया इज द प्रॉब्लम एंड आई सपोर्ट इस चीज, मैंने बोला भी ऑलरेडी, ठीक है। और जब देसी गेमर रैंडम बंदों के साथ में खेल रहे थे फ्री फायर को, तब वहाँ पर कुछ लोग उनको बोलते हैं कि यार अज्जू भाई अपना फेस रिवील कब करेंगे, तो यहाँ पर देसी गेमर कुछ इस तरह से रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर अज्जू भाई का फेस रिवील क्यों नहीं होता है भाई, बताओ। अज्जू भाई, अज्जू भाई करेगा, इस साल करेगा बोल रहा था। हाँ भाई बोलिए। हाँ मुन्ना भैया बोलिए। हाँ हाँ, वो इस साल करेगा अज्जू भाई। अरे पता है कब करेगा, वो पहले बोला था अज्जू भाई की 30 मिलियन के बाद करेगा। अरे तो उस टाइम कोविड हो गया था ना, शादी हो गया ना, तो उसने नहीं किया। हाँ, 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 कर देगा ना। उसने शादी भी कर लिया। अब बाकी उसको जानते हो, डेकोर को जानते हो। अरे यार ये राइस्टार को बड़ा मिस करते हो। राइस्टार क्यों चला गया भाई ऑफलाइन, कहाँ चला गया? वो गेम नहीं खेलता है, बस खाली ज्ञान सृजन खेलता है। अरे भाई मेरे को बनना है क्या मुन्ना भैया, बनना है क्या? दोनों को मार दिया मैंने। तो गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो क्या आपको पता कि ज्ञान गेमिंग की जो घड़ी है हाथ में जो पहनते हैं उसका प्राइस क्या है? तो ज्ञान गेमिंग ने इतना प्राइस बताया कि आप सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। उनके हाथ की घड़ी का जो प्राइस है 12 लाख का घड़ी, 12 लाख का चाहिए आप लोगों को सर? ओके तो गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है फ्री फायर इंडिया के बारे में। तो जीडब्ल्यू मनीष के किसी फैन ने उनको स्टोरी पर टैग किया था, जिसको जीडब्ल्यू मनीष वापस से रीपोस्ट किए थे अपनी स्टोरी पर। तो वहाँ पे उस बंदे ने बोला हुआ था कि उन्होंने डाटा माइनिंग की है, उनसे उनको पता चला कि गेम 5 अक्टूबर को आने वाला है। एंड साथ यहाँ पर ये बताया कि 5 अक्टूबर को गेम आने वाला है, लेकिन अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को ही हो जाएगी। एंड यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं जीडब्ल्यू मनीष से कि वो इसके ऊपर में वीडियो बनाए, क्योंकि ये उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके हिसाब से 100% कन्फर्म है। जिसके ऊपर में मनीष यहाँ पर के तारीख पर तारीख, और यार एक्चुअल में हो भी ऐसा ही रहा है कि यार तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खास अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है दोबारा में। एक बार जो अनाउंसमेंट हुई थी वहां से डिले हो चुका है, लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग डेट यहां पर नहीं निकल कर आई है। बाकी देखते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि यार 5 अक्टूबर को आ जाए। अगर 2 अक्टूबर को अनाउंसमेंट आ जाती है फिर तो कन्फर्म ही होगा। तो फ्री फायर वापस आने की डेट को लेकर के आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। साथ ही मैंने चैनल के ऊपर में पोल भी डाला है, आप जाओ तो वहां पर वोट भी कर सकते हो जाकर। तो गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है फौजी अजय के बारे में। तो जब फौजी अजय से पूछा जाता है कि FFIC के लिए आपकी फाइनल लाइनअप क्या होने वाली है, तो इसके ऊपर मैं रिप्लाई करते हुए फौजी अजय कुछ ये कहे। FFIC क्वालिफायर में मेन लाइनअप कौन कौन होगा फौजी, प्लीज रिप्लाई। FFIC मेन क्वालिफायर में शायद बालाबाई, डिलीट, कॉन्सेप्ट और माफिया, ये मेन लाइनअप होगी गाइज, समझ रहे हो? बट ट्विस्ट कुछ भी हो सकता है लास्ट में, समझ रहे हो? ट्विस्ट कुछ भी होता है गाइज, कैसे स्टडीज ओपनली बताएंगे वो चीजें नहीं होती, बट देखते गाइज। तो गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है ओरंगटन और टू साइड गेमर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी के टाइम पर जो टूर्नामेंट वगैरह चल रही है वहाँ पर थर्ड पार्टी ड्रॉप क्लैश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है टीमों के बीच में। और वहीं पर हमें देखने को मिला कि टू साइड गेमर एंड ओरंगटन का वहाँ पर क्लैश हुआ था, तो उसको लेकर के चैट के ऊपर में टू साइड गेमर को हीट दिया जा रहा था ओरंगटन के फैंस की तरफ से। और इस चीज को एड्रेस करते हुए चोंटी भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में कुछ ये कहे। अभी क्लैश में मरना और मारना चलता है, हेट क्यों देते हो? TSG अपने भाई जैसे है, उनका क्लैश है
कभी हम मारेंगे कभी वो मारेंगे। अगर हम मारते भी हैं तो अप्रिशिएट करो, और अगर टीएसजी मारती है तो उन्हें अप्रिशिएट करो। उन्होंने हमें मारा है तो वो बढ़िया खेल रहे होंगे, इतना प्यार देते हो हमें तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत करो ऐसा। अगर किसी को सच में उंगली करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है पहाड़ी गेमिंग के बारे में। तो शायद पहाड़ी गेमिंग 1 से 2 दिनों के अंदर में कोई भी ऐसे टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लेने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए रोकी भाई अपने लाइव स्ट्रीम पर कुछ ये कहे। फरहान, ओल्ड मॉन्क, अमीन अनीस और साइबर 420 को मौका मिला है। ऑलराइट, ये शायद हो सकता है आईडी अलग है, बट हो सकता है जय ही हो, क्योंकि जय आज जिस किस्म के फॉर्म में है, जय बाहर शायद ही बैठे हैं। आई मीन अ बिग डाउट कि जय शायद ही बाहर बैठे। पार्टी तो अनअवेलेबल है, आपको पता है, मतलब सुबह के भी टूर्नामेंट्स में आपको नहीं दिखे थे, और वो 2-3 दिन शायद नहीं ही दिखेंगे आपको, थोड़ा सा ब्रेक में है पार्टी, तो आ जाएंगे। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।